ओम शांति। बंद आंखों से ध्यान लगाकर सुने आज की मुरली। 23 अगस्त 2023 दिन बुधवार प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, जिस मात पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उस मात पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। आज का प्रश्न, खुशनसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, जो खुशनसीब बच्चे हैं वह देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं, वह शंखध्वनि करने बिगर रह नहीं सकते। धारणा भी तब हो जब दान करें। खुशनसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं रहते। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। ओम शांति। बिगड़ी को सुधारने वाला तो एक ही है, यह दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे समझते हो जो यहाँ बैठे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बिगाड़ने वाली है माया, आसुरी मत पर चलने वाले ही बिगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, शंकर को भोलानाथ नहीं कहते हैं। भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बिगड़ी को बनाने वाला है, बड़ा भोला है, गरीबों को अखुट खजाना देने वाला है। बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं जिसके ये चित्र बने हुए हैं, और कोई ऐसा नहीं समझाते कि यह उल्टा वृक्ष है। भगवान उवाच है कि इस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान और कोई भी वेद शास्त्र में नहीं है, भगवान ने ही दिया है, उनका ही शास्त्र है, जिसके लिए कहा जाता है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवद गीता। परमपिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है, परंतु उसकी याद माया भुला देती है। तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, वह तुमको याद करने नहीं देगी। अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं, जहां 21 जन्म तुमको रोने की दरकार ही नहीं रहती है। तुमने 63 जन्म तो रोया है, 84 जन्म नहीं कहेंगे, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। भोलानाथ बैठ समझाते हैं, जब से रावण बिगाड़ना शुरू करते हैं तब से तुम रोने लगते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए ही यह बड़ा झाड़ और गोला बनवाया जाता है, क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जा सकता है। भल कोई बच्चे अपने कर्मों अनुसार इतना नहीं भी धारण कर सकते हैं, सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे। अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आगे जरूर मिलता है, कर्मों की गति है ना। बाप कहते हैं, मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानता हूँ और समझाता हूँ। टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छे नंबर से पास होते हैं, कोई नापास होते हैं। कहेंगे क्या करें, कर्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है जो हम पढ़ते नहीं। यहाँ भी ऐसा है, कोई तो अच्छा पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ाए अथवा कॉलेज को ही छोड़ देते हैं। कॉलेज छोड़ा गोया बाप टीचर सदगुरु को छोड़ा, छोड़ने से छोरा बन जाते हैं। छोरा उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। तो मात पिता जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाते हैं। यहाँ भी कई समझते हैं यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाएं, लेकिन वहाँ ज्ञान तो उठा नहीं सकते। वहाँ तो नाटक, बायोस्कोप, घूमना फिरना, अच्छा कपड़ा आदि मिलेगा। जिनकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ख्यालात चलते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है तो फिर पुरानी दुनिया तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो, पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होनी है, साथ में तो कुछ नहीं चलना है। तुमको इस देह अभिमान को भी छोड़ना है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, मैं भी टेम्परेरी इस तन में आया हूँ। हम सो देवता थे, अब फिर हम सो शूद्र बने हैं। श्रीमत पर चल, हम विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। तुम बच्चे कितने खुशनसीब हो, जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माताओं को ही शक्ति सेना बनाते हैं, इसलिए ही तुम्हारा नाम पड़ा है शिव शक्ति सेना। तुम शिव से शक्ति ले अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोझरे में है। कोई कोई की ज्योत जगती ही नहीं है, वह भी ड्रामा में नूंद है। किसी की ज्योत जगती भी है तो फिर माया बुझा देती है। चलते चलते माया का तूफान लगने से फिर वैसे का वैसा बन जाते हैं। इस दुनिया में कोई तो बहुत साहूकार है, कोई 10 रुपया भी नहीं कमाते।
कई मनुष्यों को भोजन भी मुश्किल से मिलता है, खाने के लिए कितना पुकारते हैं। बाबा उन द्वारा विदेशों द्वारा सहायता करवा रहे हैं, यह मनुष्य तो नहीं जानते। यह भी ड्रामा में राज है। तुम जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं, अगर उन्हों को प्रेरणा नहीं मिलती तो तुमको मदद नहीं करते। अभी तुम्हारी कंप्लीट राजधानी स्थापन नहीं हुई है, तो यह चित्र है किसको समझाने के लिए। इनका बहुत महत्व है। जैसे मैप्स नक्शे होते हैं, मैप के सिवाय कैसे पता पड़े फलाना शहर कहाँ है, यह मैप्स वहाँ नहीं होंगे। यहाँ तो भारत कितना बड़ा है, वास्तव में भारत की सबसे जास्ती संख्या होनी चाहिए, तो रहने लिए कितनी जगह चाहिए। स्वर्ग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह बातें हैं, विनाश होगा तो हम बाकी बहुत थोड़े रहेंगे। झाड़ का फाउंडेशन है ना, फिर बाद में झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फिर नंबरवार और झाड़ लगते रहेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं और नशे में रहते हैं। हम बाबा द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं। बाबा तो बहुत सहज बतलाते हैं, कहते हैं सिर्फ इस सृष्टि चक्र को ध्यान में रखो। सृष्टि चक्र और शंख, जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे तो उनको गीता सुनाने वाला ब्राह्मण कैसे कहेंगे। गीता सुनाने वाले भी नंबरवार होते हैं, जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे उन्हों को नशा रहेगा। कितने हजारों मनुष्य बैठ सुनते हैं, तुम्हारी तो है नई बातें। कहते हैं इन्हों का ज्ञान न हिंदुओं का है न मुसलमानों का है, पता नहीं कहाँ से लाया है। फिर भी कई तो समझते हैं नाथ भोलानाथ बाबा भक्तों का रक्षक भगवान पतित पावन आया है, उनको आना जरूर है। बाप कहते हैं मेरी यादगार के भी मंदिर है, मैं आया ही हूँ पतितों को पावन बनाने। यह तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर हमको 5000 वर्ष पहले समान समझा रहे हैं। तुम कहते हो बाबा हम भी 5000 वर्ष पहले आए थे, आपसे वर्षा लिया था। इतने ढेर बच्चे कहते हैं इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। सभी कहते हैं बाबा हम आपके पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं। कोई से भी पूछो तो कहेंगे हाँ शिव बाबा के बच्चे तो सब भाई भाई हैं। फिर साकार में ब्रह्मा की औलाद होने से बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। तो यह बुद्धि में रहना चाहिए, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे, इसमें विकार की कोई बात नहीं। एक ही कुल हो गया, प्रजापिता ब्रह्मा रचयिता है, जरूर यह प्रजा है ना। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं तो जरूर सत्युग के पहले आए होंगे। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं वह जरूर पवित्र रहेंगे। जो जो पवित्र बनते हैं वह अपना राज्य भाग्य लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह रचना रच रहे हैं। तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले भी संगम पर थे, अब भी हैं, फिर हम देवता बनेंगे। सत्ययुग में व कलियुग में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं होते हैं, संगम पर ही होते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बनते हैं, यह पवित्र रहने की युक्ति है। जो पवित्र नहीं बनते वह तो विश्व का राज्य ले न सके। ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं। बाप समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करके धारण करो और दूसरों को कराओ। जब देवता बनने लायक बन जाएंगे तब विनाश होगा, विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में ठहरता है, दान नहीं करते तो बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कोई सेकंड कोई थर्ड क्लास करते हैं, तो मिलेगा भी ऐसा ही। सभी कहते हैं हमको फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी भेजो, अब इतनी कहाँ से लाएंगे। यह भी शिव बाबा जानते हैं कि फर्स्ट क्लास कौन है, हर एक की अवस्था को जानते हैं। बहुत बच्चियां अच्छी सर्विस करती हैं। ब्राह्मणों लौकिक ब्राह्मण को खाने का बहुत रहता है, जगह जगह धामा खाते रहते हैं। बच्चों में भी कोई कोई है, अच्छा भोजन ना मिले तो आराम ना आए। बाबा मम्मा का नाम बदनाम कर देते हैं, फिर समझाओ तो गुस्सा आ जाता है। कई धर्मराज को भी डोंट केयर करने वाले हैं, वह फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। माया ऐसी बुरी गति करा देती है जो श्रीमत पर नहीं चलते। फिर विकार के लिए अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं, अत्याचार भी हो सौभाग्य है। बाप से वर्षा तो ले लेंगे ना, बहुतों पर अत्याचार होते हैं क्योंकि विष बिगड़ रह नहीं सकते। यह है दुर्गति की दुनिया, इसमें किसकी सदगति हो नहीं सकती।
मृत्युलोक और अमरलोक को कोई नहीं जानते। अमरलोक सत्ययुग में है आदि मध्य अंत सुख दिखाते हैं। अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब सूक्ष्मतन में तो कथा सुनने की दरकार नहीं, तो यह कथाएं आदि कहाँ से आई? अमरकथा सुनाए फिर सूक्ष्मतन से कहाँ गए? कुछ भी पता नहीं, तो इन बातों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। कथा सुनाने वाले तो बहुत हैं, पहले उन्हों की बात सुनकर फिर समझाना चाहिए। दशहरे पर बड़े बड़े आदमी रावण को देखने जाते हैं। सेंसिबल मनुष्य समझेंगे कि बंदर कैसे राम को सहायता करेंगे, कुछ भी नहीं समझते। इस समय तो नेशन देश नेशन से लड़ते रहते हैं। एक क्राइस्ट के बच्चे आपस में लड़ते हैं। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा की भावी है। ड्रामा का मालूम पड़ा है तब तो तुम अब पुरुषार्थ करते हो। जानते हो अब खेल पूरा होता है, बाबा से वर्षा लेना है। यह ड्रामा का राज और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने आकर सब राज समझाए हैं। पढ़ाने वाला पतित पावन वह बाप है, बलिहारी उनकी है। माया नींच बनाती है, ऊंचते ऊंच बाप ही आकर ऊंच बनाते हैं। कहते हैं बच्चे अब मेरे से सुनो, पुरानी देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करते रहो। अभी तो तुमको पतियों का पति मिल गया है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वहां है ही संपूर्ण निर्विकारी, यह है संपूर्ण विकारी दुनिया। दुनिया एक ही है, वही संपूर्ण निर्विकारी फिर संपूर्ण विकारी बनते हैं। पहले भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। यह चित्र बड़े वैल्यूबल हैं। विलायत में कोई को समझाकर दो तो कहेंगे कि यह चीज तो बड़ी अच्छी है। कैसे सृष्टि का चक्र फिरता है, किस किस की डिनास्टी चलती है, सबके चित्र इनमें हैं। कोई भी धर्म वाले को समझाने से खुश होंगे। हाँ आगे चल एक दो से सब सुनेंगे, यह तो बहुत अच्छी नॉलेज है। विलायत में कोई सेंसिबल जाए तो बहुत सर्विस हो सकती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल्धे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। दो ज्ञान दान करने से ही धारणा होगी, इसलिए दान जरूर करना है। कभी भी बाप की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना है। वरदान सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रह निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भाव। सेवा तो सब करते हैं लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं उसका बहुत महत्व है। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न न आए। वायुमंडल का, संघ का, आलस्य का, यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में नहीं आ सकते। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न न हो, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। स्लोगन जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र हैं।